हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सारे बंदे, आई होप कि सभी लोग बड़े होंगे एंड आगे भी बड़े रहे। तो गाइस, आज का वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं CPU GPU नेटवर्क नोटिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में। जहाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, यानी कि जैसे दोस्तों आप लोग गेम खेलते जाते हो, गेम स्टार्ट या फिर गेम के अंदर कुछ इस प्रकार का पॉपअप शो कर रहा होगा CPU GPU नेटवर्क नोटिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आप लोग किस वजह से हो रहा है और दोस्तों इसका रीजन क्या है, और साथ में दोस्तों आप लोगों को इस वाला वीडियो का टोटली दो स्टेप बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को इस दो स्टेप करने के बाद आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर जितने भी सारे नंबर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, ताकि दोस्तों ऐसे हर रोज वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जो ये CPU GPU जो प्रॉब्लम है किस वजह से हो रहा है और दोस्तों इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आपके फोन का अंदर गेम स्पेस या फिर ठीक है गेम टाबू रहता है। ठीक है, तो उसका ठीक है आप लोगों का अपडेटेड वर्जन नहीं रहता। ठीक है, जिस वजह से आप लोगों का कुछ इस तरह का ठीक है आप लोगों को नेटवर्क नोटिफिकेशन प्रॉब्लम शो कर रहा होगा। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन बताने से पहले दोस्तों आप लोगों को अभी तक इस वाला वीडियो का लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से एक लाइक कर देना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आप लोग किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग मान लो ठीक है गेम आप लोग लगातार 3 से 4 घंटे तक आप लोग खेलते हो, तब जाके आप लोगों का जो CPU GPU जो परफॉर्मेंस रहता है ठीक है वो हीट हो जाता है, तब जाके आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ किस तरह ठीक है आप लोग इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप लोग बता दो कि दोस्तों आप लोगों का जो फोन के अंदर गेम स्पेस या फिर गेम टावर रहता है ठीक है उसका अपडेटेड वर्जन नहीं रहता है, आप देखिए दोस्तों आप लोग ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है। अगर दोस्तों आप लोगों का फोन के अंदर अपडेट ठीक है अभी तक गेम स्पेस या फिर गेम टावर के अंदर नहीं आए तो दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों जो स्टेप बताने वाला दोस्तों वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों का फोन के अंदर गेम टावर या फिर गेम स्पेस रहता है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग उसके अंदर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे दोस्तों उसके अंदर क्लिक कर कुछ इस प्रकार आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों आप लोग इधर से देख सकते हो CPU परफॉर्मेंस एंड GPU परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सिंपली मेरे फोन ठीक है मेरे फोन के अंदर गेम स्पेस है, अगर दोस्तों आपके फोन के अंदर गेम टर्बो रहेगा तो ऐसे में दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को जैसे इस मिडिल वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों का दो ऑप्शन देखने मिलेगा, यानी कि मेरे फोन के अंदर ठीक है आप लोग Realme 6 आए, अगर दोस्तों आपके फोन के फोन ठीक है अलग से फोन का तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपली दोस्तों इधर से देख सकते हो ब्लॉक नोटिफिकेशन एंड रिजेक्ट कॉल। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों का ब्लॉक नोटिफिकेशन ऑफ रहेगा, सिंपली दोस्तों यहाँ से ठीक है आप लोग ऑन कर देना है। और दोस्तों ये वाला सेटिंग ऑन करने से बात ठीक है आप लोग जब भी दोस्तों आप लोग गेम वगैरह ठीक है खेलोगे उसके बाद आप लोगों का गेम खेलने के बाद आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह ठीक है नहीं आएगा, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को CPU GPU कोई भी ठीक है नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को इस वाला सेटिंग करने के बाद भी ठीक है आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉब्लम बार बार आता है तो दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों दोनों बार स्टेप बताने वाले जो कि दोस्तों ये वाला दोनों में स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ठीक है मैं बाएं तरफ से कोने में तरफ से ठीक है आप लोग एक सेटिंग देखने मिलेगा, जैसे दोस्तों कोने से ठीक है आप लोग दाएं तरफ आप लोग एक ऑप्शन देखने मिलेगा। ठीक है, आप लोग इधर से देख सकते हो 3 ऑप्शन, सबसे पहले आप लोग गेम फोकस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड एंड आउट ऑफ प्ले। ठीक है, तो इधर से आप लोगों को क्या करने पड़ेगा, इधर से ठीक है आप लोगों का गेम फोकस मोड के अंदर जैसे दोस्तों क्लिक करोगे, दोस्तों क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो गेम फोकस मोड वो ऑन हो जाएगा। और दोस्तों ऑन होने के बाद आप लोग जैसे गेम को लेकर करोगे ये फिर ठीक है आप लोग गेम स्टार्ट करने जाते हो। ठीक है, और दोस्तों पहले की तरह और ठीक है आप लोगों को CPU GPU प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो देखकर काफी समझ में आ गया होगा दोस्तों ये जो आप लोगों का प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप लोग का देखने मिलेगा यानी कि जब भी दोस्तों आप लोग गेम खेले यानी कि गेम फोकस मोड ठीक है आप लोग ऑफ करना चाहते हो तो उसी तरह से दोस्तों ठीक है आप लोग पहले की तरह बाएं से आप लोग स्वाइप करके जैसे आप लोग एक एग्जिट वाला एक ऑप्शन देखने मिलेगा, जैसे दोस्तों इस एग्जिट का आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों का ठीक है एग्जिट हो जाएगा यानी कि इस गेम फोकस मोड ठीक है आप लोगों को ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो देखकर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और उसके साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना, तब तक के लिए और एक नया धमाकेदार वीडियो मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।